दोस्तों अभी आप देख पाएंगे मेरे पास यहाँ पर अलग अलग कीपैड फ़ोन है, जैसे एक है सैमसंग का, दूसरा है नोकिया का। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास स्मार्टफोन भी है और हो सकता है दोस्तों आपके पास किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन हो। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप बिना इंटरनेट के बस कॉल करके जो है पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे, आप कोई सा भी फ़ोन यूज़ करते हो। क्योंकि दोस्तों RBI ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यहाँ पर जो है एक नया फीचर जारी कर लिया है 123 पे। बहुत ही कमाल की सर्विस है गाइस ये, और कैसे आपको 123 पे से यहाँ पर पेमेंट करना है इस वीडियो में आप जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हम सफर टैग। तो चलिए सीखते हैं दोस्तों अपने कीपैड मोबाइल फ़ोन से या फिर अपने स्मार्टफोन से कैसे आपको बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांसफ़र करना है। आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा और दोस्तों याद रखिएगा, अभी मैं आपको जो है अपने स्मार्टफोन पर दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली आसानी से समझ पाएं। लेकिन आप अगर कीपैड फ़ोन आपके पास है तो आप वही स्टेप को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो आपके बैंक अकाउंट के साथ में मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है, लिंक है, आपको उसी मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना है एक नंबर पर, वो है 08045163666। आपको इस नंबर पर कॉल करना है। तो चलिए हम कॉल करते हैं और ध्यान से आपको सुनना है। और यार गाइस आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। गुड इवनिंग, वेलकम टू अल्ट्रा कैश ग्रीन वॉइस, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो अभी आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है, चलिए हम 2 के लिए 2 प्रेस करते हैं हिंदी के लिए। आपकी पसंदीदा भाषा सेट कर दी गई है हिंदी, अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं, हैश दबाएं अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो अभी गाइज हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको एक जो है बटन प्रेस करना है, नंबर 1। इस सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा और UPI रजिस्टर करना होगा। पुष्टि करने के लिए और अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए 1 दबाएं, पिछले मेन्यू पर जाने के लिए स्टार दबाएं। तो अभी आपको दोबारा से 1 प्रेस करना है। माफ कीजिए, आपने गलत इनपुट दर्ज किया है। इस सर्विस का उपयोग करने के लिए आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा और UPI रजिस्टर करना होगा। पुष्टि करने के लिए और अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए 1 दबाएं। तो गाइस यहां पर आपको दोबारा दिक्कत आ सकती है, तो आपको दोबारा 1 प्रेस करना होगा। बीप के बाद अपने बैंक का नाम बताएं जिसका आप इस सर्विस के लिए उपयोग करना चाहती हैं। पंजाब नेशनल बैंक। आप सेटअप करना चाहती हैं पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट जिसके अंतिम अंक है 7067 के नाम पर मोनी सक्सेना जो हरीश सक्सेना, कंफर्म करने के लिए कृपया 1 दबाएं, किसी अन्य बैंक को चुनने के लिए 2 दबाएं। तो आपको कंफर्म करना है, 1 हम प्रेस कर लेते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपका UPI अकाउंट बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, आपका UPI अकाउंट बन चुका है। ऐसा लगता है कि इस बैंक खाते के लिए आपका UPI पिन पहले से ही सेट है। लेन देन जारी रखने के लिए 1 दबाएं। यदि आप अपना UPI पिन रीसेट करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। तो अभी दोस्तों हमारा पिन हमें याद है तो हम 1 प्रेस करेंगे, अगर आपको पिन याद नहीं है तो आप 2 प्रेस करेंगे। तो हमने 1 प्रेस कर लिया है। मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं, खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 2 दबाएं, मेन मेन्यू पर जाने के लिए 4 दबाएं। तो अभी दोस्तों आप मोबाइल नंबर पर भेजना चाहते हैं पैसा या अकाउंट नंबर पर, तो हम 2 प्रेस कर लेते हैं यहाँ पर। बीप के बाद कृपया उस लाभार्थी बैंक का नाम बोलें जिसमें आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक। कृपया पैसे भेजने के लिए लाभार्थी खाता संख्या दर्ज करें। तो अभी दोस्तों जिसको आप पैसा ट्रांसफर करते हैं उनका आपको अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। तो अभी हमने अकाउंट नंबर यहां पर एंटर कर लिया है। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहां पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। वो
राशि दर्ज करें जो आप ट्रांसफर करना चाहती हैं। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर जो है ₹50 ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं, जितना भी आपको अमाउंट डालना है आप एंटर करेंगे। आप ट्रांसफर कर रही हैं ₹50 को नवीन सिंह कलूरा, कृपया 6 अंकों का UPI पिन दर्ज करें। आपके पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक है 7067। तो अभी दोस्तों आपको UPI पिन अपना एंटर करना होगा। तो हमने UPI पिन एंटर कर लिया है। बहुत बढ़िया, आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ एक SMS आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। कृपया 1 दबाएं अन्य ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 दबाएं, मेन मेन्यू पर जाने के लिए स्टार दबाएं। तो अभी दोस्तों हम स्टार प्रेस कर लेते हैं, बैलेंस चेक कर लेते हैं दोबारा। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं, मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं। तो चलिए हम 2 प्रेस कर लेते हैं बैलेंस के लिए। कर रहे हैं बैलेंस अपनी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक है 7067। कृपया अपना 6 अंकों का UPI पिन दर्ज करें। तो अभी हमने अपना UPI पिन एंटर कर लिया है 6 अंक का। आपका बैलेंस है पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक है 7067 का 5130 रुपए 9 पैसे। कृपया 1 दबाए अन्य ट्रांजैक्शन करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 दबाए। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है कि जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, हमने एक बैंक अकाउंट से दूसरा जो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक में, उसमें हमने इजीली बिना इंटरनेट के बस कॉल करके जो है पैसे ट्रांसफ़र कर लिए हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे।